उतर जाते हैं। भाई साहब, हेलो भाई साहब, ओ भाई साहब, निचरगढ़ रोड किधर से? ओ भाई साहब, भाई तो भाई इसमें अपने दोस्त लोग बैठे बार पीछे देख रहा है मेरे को, रवि मेरे को यहीं से दिख रहा है दिख रहा है। तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हुए सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और भाई अभी आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है। और ये फिर वाटरफॉल देखो, फिर मैंने यहीं पे वीडियो बनाई थी रील्स के लिए, क्योंकि आजकल इधर आना जाना लगा रहता है। ये वाले वाटरफॉल सिर्फ भाई मानसून के टाइम पर निकलते हैं, उसके बाद सूख जाते हैं, इसमें पानी नहीं आता है। तो आज एक नया दिन है और आज का दिन इतना ज़्यादा भागम भाग वाला है भाई, मेरे को बहुत सी जगह जाना है। और अभी मैं जा रहा हूँ चाचू को लेने यहाँ डीम तक, उसके बाद वापस जाना है, निर्मण जाना है, उसके बाद रामपुर जाना है, उसके बाद दुरा जाना है। यहाँ देखो एक और वाटरफॉल। तो काफ़ी भाग दौड़ वाला दिन है आज, बाकी देखते हैं भाई। शाम को दुरा पहुँचना है, शाम को आज घर नहीं आना है, तो कुछ सामान भी भेजना है घर को, तो उसके लिए रामपुर जाना पड़ेगा। वैसे रामपुर नहीं जाना तो पहले, बट सामान के लिए जाना पड़ेगा अब। तो अभी सुबह के 9:30 हुए भाई, सबको गुड मॉर्निंग नमस्ते जर्मन दे। और ये बैग भाई मैंने अगली साइड को डाला है, ये बैग मैंने थोड़ा फ्रंट में डाला है, तो उस वजह से ये छूट रहा है आगे को। यानी वेज आज भाई धूप निकली है, और मतलब 3-4 दिन हो गए कंटिन्यू धूप ही धूप आ रही है, अच्छा लग रहा है। और जब बारिश आएगी भाई तब भी भयंकर बारिश आ रही है, और आगे भी जब भी बारिश होगी तो तगड़ी बारिश होगी। स्कूल के बच्चे स्कूल जाते हुए, और वही ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी, ठंड का माहौल, क्योंकि इधर तो वही ठंडी होती है हमारे यहाँ, सुबह सुबह ठंड लगती है। अभी टी शर्ट में हूँ इस वजह से। तो अभी 11 बजने वाले हैं और मैं पहुंचूंगा अभी निर्मण। यहाँ जाना मुझे भाई ट्रेजरी ऑफिस तक, वहाँ थोड़ा सा काम है। वहाँ पे मामा का लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना था, और मैं भूल गया था कि जुलाई में जमा होता है वो, तो मेरे को बताया अभी था पहले, बट चलो। तो अभी 1 बज चुके हैं भाई, सामान भेज दिया मैंने घर अभी गाड़ी में, और उसमें पैंट वेंट का सामान था। पहले तो गाड़ी नहीं मिल रही थी भाई, आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी गाड़ी नहीं मिली। जिसको फ़ोन करे भाई मैं स्प्रे कर रहा हूँ, 2-3 लोगों को मैंने फ़ोन किया भाई, सब स्प्रे करने में बिजी हैं आज, क्योंकि 2-3 दिन से मौसम साफ है भाई, इसलिए सब बिजी है स्प्रे करने में। तो भाई मैं जा रहा हूँ रामपुर तक भाई, अभी रूम जाऊँगा, कुछ खा पी लूँगा, रेस्ट करूँगा, क्योंकि भाई भूख लग रही है तगड़ी वाली, और ये गर्मी में ना प्यास ही बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी मैं पहुंचा हूँ ब्रो, और भाई एक बंदा भी इतना तगड़ा कट मार के गया ना मेरे मुंह के सामने से, मतलब बोलते ना तो सांस ऐसे एक मिनट के लिए से रुक गए, वैसा हो गया था। मैं पागल है यार, स्कूटी लेके कट मार रहे मेरे सामने से, दिमाग में वही आए छपरी इधर क्या कर रहा है। तो अभी 4:30 हुए भाई, अभी निकला मैं रूम से, अब जाना मेरे को दुरा। मेरे को समझ नहीं आ रहा है बंदा कर क्या रहा है कब से। तो यहाँ आ गया हम नेशनल हाईवे 05 पे, और ठंडी ठंडी हवा आ गई है। अगर मैं थोड़ी देर पहले 1 घंटा पहले आता ना तो गर्म हवाएं मिलती हैं, और अभी ठंडी हवाएं, क्योंकि भाई धूप जो है जा रही है, अभी 5 ही बजे पर धूप बहुत हल्की है, मतलब उस साइड भी चल गई है, पूरी रोड पे छाँव छाँव आ गई है, इसलिए अभी बढ़िया है ठंडा ठंडा। नहीं तो भाई थोड़ी देर पहले आता मैं तो सब गर्म गर्म मिलता।
बिना देखे ही भाई, आज तो बिना देखे ही चले लोग मेरे को भाई। भी यहाँ से जाना है हमको राइट। अरे आराम से पीछे देख के, क्योंकि अपने पास साइड मिरर है नहीं। आज मेरे को थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा लग रहा है, मतलब जैसे मैं बैठा हूँ ना ऐसा लग रहा है आगे आगे कुछ आ रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा। और मैं आगे रुक रहा हूँ, फिर देखते हैं मैप क्या बताता है, किधर जाना पड़ेगा। दो मिनट का रुक जाता हूँ, मैप बता रहा है यहाँ से जाना पड़ेगा सीधे, सीधे ही जाते भाई। फ़ोन चार्जिंग पे लगाया मैंने। तो ये वाला रोड बताया भाई मैं अपने, हाँ उम्मीद करता हूँ यही हो, एकदम डाउन है। अरे रोड काफ़ी ज़्यादा नैरो है और भाई विजिबल भी नहीं है, मतलब आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। रोड के दोनों साइड देखो ये लगे भांग के पौधे और ये घास सा, जिस वजह से ना आगे दिख नहीं रहा। ये देखो बिल्कुल भी, बिल्कुल लास्ट टाइम पे दिख रहा है आगे। भाई नंबर प्लेट नहीं लगी, बिल्कुल नई गाड़ी है अभी। कोयल पहुंचने वाले हैं हम, कमाल ही है, समझ ही नहीं आ रही है। उधर की जगह ऊपर ऊपर ही जा रहा रोड। और यहाँ भाई हवा तेज़ चली है, मैं रुक गया हूँ अब, मुझे पता नहीं है यहाँ से एक रोड ऊपर भी गया, उसमें भाई बस भी गई है। यहाँ लिखा है यहाँ 4 किलोमीटर, अभी भाई गूगल मैप फिर से खोलना पड़ेगा। यहाँ तो कोई बंदा भी नहीं दिख रहा जिसको पूछो। हवा तेज़ चल रही है भैया, और ये सामने का नज़ारा एक नाला सा है, ये उतर जाते हैं भाई साहब। हेलो भाई साहब, ओ भाई साहब, निछरगढ़ रोड किधर से? ओ भाई साहब, भाई साहब आंसर ही नहीं दे रहे यार, छत। तो भाई ये गाड़ी वाले भैया से पूछा था मैंने कहाँ से जाना है, तो इन्होंने बोला ये वाला 7 किलोमीटर लंबा है, बड़े वाला कच्चा है, बट खुला रोड है, छोटा है। तो मैं सोच रहा हूँ छोटे से निकलते हैं, बाकी देखते हैं। अरे ये कच्चा वाला रोड बताया उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि अगर सीधा दूर आ जाना है तो ये वाला रोड अच्छा रहेगा, मतलब छोटा है ये वाला रोड, कच्चा है थोड़ा, मतलब पूरा ही कच्चा है ऊपर तक। तो जो आगे वाला है वो 7 किलोमीटर लंबा है, वो निथर होके निकलता है। और भाई देखते हैं कैसा है रोड। अरे भाई इसकी तो हालत ख़राब है, गलत तो नहीं आ गया मैं, चलो अब देखी जाएगी। अरे 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 तगड़े जम सा रहे भाई इस रोड में, तो मेरे को लग रहा मेरे को उसी में जाना चाहिए था। फिर से मैंने ले लिया एक ब्रेक, लगभग 3 या 4 किलोमीटर आया हूँ इस रास्ते पे भाई, कोई दिक्कत नहीं इस रास्ते में, बढ़िया दिख रहा है अभी तो। ये वाला तो अच्छा है, पर इससे पीछे भाई नीचे को ना छोटे छोटे पत्थर है, उसमें डर ही बहुत लगता है। और नज़ारा देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है ना, ये सतलुज देखो इधर से यहाँ तक, वो देखो लास्ट तक दिख रहा है, अरे इतने दूर से आ रही है सतलुज, लास्ट वहाँ से आ रही है सतलुज, ऐसे 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 उधर से वैसे। तो भाई काफ़ी प्यारा नज़ारा, इसलिए मैं यहाँ रुक गया था। ओह बाइक अपनी वहाँ खड़ी, और धूप भी देखो कैसे लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ नहीं लगी है, यहाँ लगी है, फिर अच्छा हुआ है, मतलब पूरे पीछे तक दिख रहे हैं। और बादल भाई इतने मस्त लग रहे हैं ना मेरे को यहाँ से, बहुत प्यारे लग रहे हैं।
तो आज मैंने बाल बाल कटवा लिए हैं और थोड़ा अजीब लग रहा है मेरे को, खुद को देख रहा है ना, इधर से खाली खाली लग रहा है। तो अभी एक ब्रेक के बाद यहाँ से निकल रहे हैं हम, और एक बार ये नज़ारा फिर से देख लो भाई, बहुत सही नज़ारा लग रहा था मेरे को। और निकलते हैं अभी भाई, ये रोड ऊपर तक है, ऐसा ही है, मेरे को ये पोल जैसे दिख रहे हैं, ये वाले पोल ऊपर तक दिख रहे हैं, मतलब ये सारा यहाँ से ऊपर तक कच्चा ही है। तो अभी निकलना पड़ेगा सुबह से भाई, मेरी अपनी शक्ल अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, चलो बढ़िया लग रहा हूँ मैं। हाय हाय भाई, थक गया मैं, पर ये रोड ही नहीं ख़त्म हो रहा कच्चा वाला। भैया ने तो बोलते बस थोड़ा ऊपर रखे, मतलब आए आए आए। तो अब भाई ये कच्चा रोड ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बट ये वाला अच्छा आ गया भाई, ये वाला बढ़िया रोड लग रहा मेरे को। बोल रहे मेरे को तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, अच्छा तो मेरे को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, फिर देखो ऐसा रोड आता है। इस रोड में भाई काफ़ी लैंड स्लाइडिंग हुई है, नीचे से भी मैं देख रहा था काफ़ी जगह पे लैंड स्लाइडिंग है, वापस तो भाई इधर से आना ही नहीं पड़ेगा। बड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मैं जा कहाँ रहा हूँ भाई, इतना सुनसान है रोड है, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ आ भी नहीं रहा भाई कई बार। तो भाई इसमें अपने दोस्त लोग बैठे बार पीछे देख रहा है मेरे को, रवि मेरे को यहीं से दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है तो दिख रहा है, चर्चा यही चली है भाई कि वही बंदा है, पता नहीं शायद यही चर्चा चली होगी, दिख रहा है तो दिख रहा है। हाँ भाई ने हाथ खड़ा कर दिया है, आपको लग रहा है जो सामने बिल्डिंग है ग्रीन है, यही होगा दूरा। जो सामने दिख रहे शायद वही है दूरा, 2 किलोमीटर तो वही लग रहा। चलो हाँ वहीं रुक के फ़ोन करना पड़ेगा पिंटू को, फिर पता लगेगा कि हम पहुँचेंगे हैं, पहुँच चुके हैं कि नहीं पहुँच चुके हैं। आई आई हाँ क्या बोल रहा, मेरे को पता ही नहीं भाई कहाँ जाना है। लॉल क्या कर, आगे रुकता हूँ, आगे दिख के भाई बंदे। तीसरी बार खा ले भाई, तीसरी बार खा ले, सिर में दर्द दो बंदे का है और मेरे को क्या पता। अब जा टायर में गुजर रहा बड़ा पत्थर बीच में, दो टायरों के बीच में, फिर निकाला वो, और फिर वो नीचे के कांगड़ी क्या कहाँ से, तो फिर नहीं उनको वो करना आ रहा। हेलो तो गाइज आज मैं मोटर ब्लॉग करने जा रहा हूँ, मैं दिख नहीं रहा हूँ उसमें, कर अरे निकालो उसको पहले। आज मैं मोटर ब्लॉग कर रहा हूँ जिंदगी में पहली बार, चलो फिर हेलमेट के साथ। नहीं नहीं अभी मैं पहली मैं नहीं पर को मैं छप भी आ रहा मोटर, अरे मेरे को भी शौक है एक बार डीट कर, नहीं परे को मैं। तो गाइस इंजन गरम है अभी, राम राम से चलाएंगे, एक बैग रखिए यहीं मेरा वाला, तो टैन क्यों ले रहा हो रे को चलाइए तू परे को मैं। तो अभी जा रहे हैं हम भाई नीचे, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं पिंटू मार को, और इधर भाई सेब देख रहे हैं भाई, बोला इतना भयंकर लगा है ना मैं बताता हूँ आप लोगों को, देखो अब ये बंदा बोल रहा भाई हम गलत आ गए, नीचे दिखाओ आ रहा तो नहीं नहीं हम गलत आए शायद यार। नीचे चलो नीचे फिर भी ऊपर नहीं आए, रुक गया तो शायद हम पहुंचने वाले हैं शायद कंफर्म नहीं है भाई, बंदा आगे जा रहा है बोल रहा है हमें आवाज़ मारूंगा। ये देखो इस थोड़ी नहीं पता कहाँ ला दिया,
तो बैटरी खत्म होने वाली है और आज के ब्लॉग में इतने मिलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में कल। और इधर क्या कर रहा है तो मिलते हैं अब कल, तब तक अपना ध्यान रखो, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।